फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। त्रिमूर्ति शिव बाबा का 88वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर की ठंडी सड़क डिगी लाल गणेश नगर स्थित वरदानी भवन प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र इंचार्ज मिथिलेश दीदी के संयोजन में महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कानपुर जोन इंचार्ज गिरिजा दीदी रही, जबकि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौहान ने केंद्र इंचार्ज मिथिलेश दीदी अन्य बहनों के साथ शिव बाबा की मूर्ति के समीप दीप प्रज्वलित एवं पुष्पित कर किया। वही त्रिमूर्ति शिव बाबा का जन्मोत्सव केक काटकर झंडारोहण कर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने कहा, इस केंद्र पर लोगों को आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सुख समृद्धि शांति प्राप्त करना चाहिए। वही मिथिलेश दीदी ने कहा, जब अंधकार होता है तो कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण दिखाई देती है, जिसका प्रकाश आत्माओं पर पड़ता है तो जीवन में प्रकाश हो जाता है। लोगों को चाहिए ज्ञान रतन का दान करें। भाई विभिन्न सेवा केंद्रों से आए बहनों ने परमपिता परमात्मा शिव का संदेश जन जन में सुख शांति और समृद्धि मंगल कामनाओं के साथ शुभ भावनाएं व्यक्त की। इस मौके पर मुरलीधर गौर बी के लता बी के शोभा बी के दीपिका बी के माया बी के अंजलि बी के पूनम आदि सैकड़ों की ताकत में भ्राता एवं बहनें मौजूद रही। ओम शांति। ये शिवरात्रि का पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये शिवरात्रि का पर्व 88वां है और हम जन जन को पैगाम देना चाहते हैं कि शिव पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुका है और पूरी जनता जाने और अपने परम पिता परमात्मा को पहचाने। ये संदेश देना चाहते हैं कि पिता और बाप का बर्थडे हम बच्चों का जन्मदिन। आज ये बाबा का चौथा जन्मोत्सव है, 88वां जन्मोत्सव है, तो ये आज क्या क्या कार्यक्रम होगा जन्मोत्सव पर? कैंडल लाइटिंग होगी, केक कटिंग होगी और मिठाइयाँ इस तरह से बटेंगी, खुशियाँ मनाएंगे, झंडारोहण करेंगे। बाबा का क्या संदेश देंगे जनता को? आपको बाबा का ये संदेश देंगे, जन जन को बाबा का पैगाम मिले और सुख शांति घर घर पहुँचे। तो जैसे अभी बोल रही थी, मतलब क्या मनुष्य कार्य करे जो उसे शांति मिले? हाँ, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आए और श्रेष्ठ कर्म करे तो उसको सुख शांति जरूर मिले। कितने केंद्र हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पर है 5 केंद्र फर्रुखाबाद में। 5 केंद्र है। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुई थी? 1936 इसकी शुरुआत 1936 हुई। आज हमारे 142 कंट्रियों में हमारी सेवाएं ये संस्था दे रही है। और माउंट आबू में 1950 में? हाँ, 1950 में माउंट आबू। अब कुछ और आपके सहयोग में कौन कौन सी बहनें यहाँ आए, उनके कुछ नाम बता दीजिए। दो चारों दीपिका बहन, अंजलि बहन, पूनम बहन और मंजू बहन, माया बहन, ये सब बहन हमारे सहयोग में सानिध्य में सेवा करती है। लता दीदी हमारी बड़ी दीदी है, केंद्र संचालिका लता दीदी। आज कार्यक्रम के कोई किसी को मुख्य अतिथि बनाया? मुख्य अतिथि वो लोहिया अस्पताल से आए हरेंद्र सिंह चौहान। वो अभी आ नहीं क्या? आ गया अभी। सीमो साहब, सीएमओ नहीं, सीएमओ तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते, लोहिया के अधीक्षक होते हैं, डॉक्टर राजकुमार है, डॉक्टर राजकुमार है। सीमस, सीमस को सीमस आ गए। चलो,